Hi guys, welcome to Pro Traders. This is Harshavardhan. Today I'm going to show how to place an orders. There are different kinds of orders are there. So for example, this, we want to buy this, you know, what is market, what is limit, what is SL, what is SLM order, what is normal, what is MIS, all these things, and more options also there. We'll see today. Okay. मैं आज आप सबको टाइप्स ऑफ ट्रेड के बारे में बताने के लिए कोशिश करूंगा. इसमें देखिए ये सब क्या है, मार्केट लिमिट्स, एसएल, एसएलएम, ठीक है. सो हम इक्विटी फ्यूचर्स में जाएंगे. यहाँ पे सो कोई भी स्टॉक अगर खरीदना है, देखिए यहाँ पे बाय और सेल होता है, ठीक है. इसमें क्या है, बाय भाई मतलब देखो ये फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए यहाँ पे हमको लॉट साइज दिख रहा है, मल्टीपल्स ऑफ लॉट्स, मतलब हम सिर्फ मल्टीपल्स ऑफ 20 में ही कर सकता है, ठीक है. सो व्हाट इज नॉर्मल, यहाँ पे जरोदा में अगर देख लिया तो देखो मार्जिन नॉर्मल मार्जिन है फॉर एग्जांपल. ओके, सो नॉर्मल मार्जिन का मतलब होता है, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ, फिर भी बताता हूँ. देखिए फॉर एग्जाम्पल निफ्टी का ही देखेंगे. देखो निफ्टी निफ्टी यहाँ पे है 75 लॉट है, ये डिसाइडेड बाय सेबी एंड एक्सचेंज, नॉट बाय अस. ओके, तो हम डिसाइड नहीं करेंगे, सेबी और एक्सचेंज वाले इसको डिसाइड कराएगा कि कितना लॉट होना चाहिए और नॉर्मल ये मार्जिन भी कितना होना चाहिए. मार्जिन का मतलब ऑलरेडी मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, फिर भी एक बार वंस अगेन आई विल रिपीट द कॉन्सेप्ट. ओके, सो यहाँ पे देखिए निफ्टी का प्राइस देखिए कितना है, ऑलमोस्ट लाइक 1200 इंटू 75 लॉट. सो यू हैव टू स्पेंड 8,40,000. अगर उस 75 शेयर्स को खरीदना है आपको देना पड़ेगा 8,40,000, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 95,000 देने से आपको यस सर 75 शेयर्स दे देगा, जस्ट लाइक ए लोन समझ लीजिए. इसके बारे में भी बात करेंगे, फ्यूचर्स क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, अगले वीडियो में. सो यहाँ तक ये समझ में आया ना, दिस इज द इन्वेस्टमेंट, दिस इज द लॉट साइज, दिस इज द प्राइस, ठीक है. तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए नॉर्मल का मतलब ओवरनाइट पोजीशंस विदाउट एडिशनल लेवरेज, राइट. तो अगर इंट्राडे वन डे का एक्सपायरी होता है, अगर एक महीने का एक्सपायरी है नॉर्मल है कॉन्ट्रैक्ट. सो ये देखिए यहाँ पे मई अप्रैल में मार्च अप्रैल में करके तीन है, राइट. सो तीन कॉन्ट्रैक्ट्स है वहाँ पे लाइक दैट. ये नॉर्मल वाला हमको ओवरनाइट मोर देन वन डे अगर होल्ड करना है स्टॉक को तभी इसको यूज कर, ठीक है. एमएस तो आप सबको पता है, इंट्राडे स्क्वायर ऑफ विद एक्स्ट्रा लेवरेज हो जाएगा. तो ये एमएस का मतलब इंट्राडे, ये
वन मंथ का कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड कर सकते हैं टिल वन मंथ, एक मंथ तक, महीने का लास्ट डे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी डे तक हम होल्ड कर सकते हैं। तो ये एमआईएस इंट्राडे है सिर्फ। अभी आते हैं मार्केट। व्हाट इज मार्केट? मार्केट का प्राइस होता है, देखिए कभी भी आपको यहाँ पे मार्केट डेप्थ दिखता है, ये देखिए मार्केट डेप्थ दिखा ना, ये बिट प्राइस है, ये ऑफर प्राइस है, देखिए बिट प्राइस, दिस इज ऑन ऑफर प्राइस। अगर कोई भी लेटेस्ट एग्जीक्यूशन होता है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई किसी ने बाई किया किसी ने सेल किया, दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब कोई 10 रुपए बेचने रेडी है, वो दूसरा वाला 10 रुपए पे खरीद लिया, तो वो मार्केट प्राइस होगा उस टाइम पे, उस टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए बिट किया 43 का, ये 46 का, कोई और ने इसको सेल कर रहा है, इसका मतलब सेल है, इसका मतलब बाई है, बाई प्राइस है 46 है, सेलिंग प्राइस है 43। तो अगर इसने कोई भी इसको सेल कर रहा है, कोई भी उसने खरीद लिया 11146 पे, अभी मार्केट प्राइस होगा वही दिखेगा यहाँ पे, देखिए देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए साइड में ये वाला 11145.30 वही लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, मतलब कोई ने 145 को बेचा किसी ने खरीद लिया, तो अभी उसको मार्केट प्राइस बोलते हैं, मार्केट प्राइस डिसाइड होता है। ये बिडिंग ऑफर चलता रहता है, यस सर, इसके बारे में बाद में, डेप्थ के बारे में बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे समझ में आया ना, ये मार्केट प्राइस है, अगर इसको मार्केट प्राइस समझ क्लिक किया तो बाई किया, जो भी उस टाइम पे मार्केट प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे वो ले लेगा, ठीक है। उसके बाद लिमिट प्राइस, ये देखिए लिमिट का मतलब आपको प्राइस, कौन सा प्राइस पे, आपका डिजायरेबल प्राइस, मैं इसी प्राइस पे खरीदना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए 927 है, यहाँ पे मुझे 930 को खरीदना है, तो तभी आपको ये बाई करने से क्या होगा, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स में यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर में होगा, जब मार्केट ये लिमिट प्राइस, मार्केट का प्राइस जो भी हो वो 930 को आने से वो 928,930 को ले लेगा, ठीक है, लाइक दैट। फिर से यहाँ पे जाएंगे, ये देखिए उसके बाद SL, SL का मतलब स्टॉप लॉस है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग अलग होगा। ये देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल ये देखिए लिमिट में तो ये ट्रिगर प्राइस नहीं आ रहा है, SL में ट्रिगर प्राइस आ रहा है, राइट? इसका मतलब क्या है, ट्रिगर प्राइस मतलब ट्रिगर, अगर कोई भी प्राइस ट्रिगर हो गया, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे 10 रुपए है, मार्केट का प्राइस है अभी चल रहा है कोई स्टॉक का प्राइस 10 रुपए, ये 15 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये 12 है यहाँ पे कहीं, ठीक है, अगर मार्केट प्राइस ये चल रहा था 10 रुपए, मुझे खरीदना है ये 12 रुपीज पे, तो लेकिन मार्केट प्राइस वहां तक गया है नहीं, अभी मार्केट प्राइस है सिर्फ 10 रुपए, ठीक है, तो हमें ट्रिगर प्राइस, ट्रिगर प्राइस का मतलब अगर मार्केट 12 रुपीज पे रीच हो गया तो मुझे स्टॉक्स खरीदना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे एसएल डालने से ट्रिगर प्राइस होगा। देखो यहाँ पे 145 है फॉर एग्जांपल, मैं बोलूंगा यहाँ पे 111150, अगर मार्केट का प्राइस 111150 को रीच कर दिया तभी मेरा स्टॉक्स को बाई करना उसी प्राइस पे, अगर उसी प्राइस पे नहीं तो उससे ऊपर नीचे नहीं बाई नहीं कर सकते, वो एरर थ्रो करेगा, ठीक है, 50 बाई कर सकता है, नहीं तो 50 के ऊपर 51 या 52 या 53 जो कुछ भी हो आप लगा सकते हैं। मतलब क्या है, जब ये प्राइस हिट होगा मार्केट में, ये लिमिट प्राइस बन जाएगा, तब उसका आपका ओपन यहाँ पे ओपन पोजीशन पे रहेगा, ठीक है, राइट। तो इसके एसएल का मतलब वही है, अगर एसएलएम डाल दिया मैंने फॉर एग्जांपल, ठीक है, एसएलएम डाल दिया, ये सिर्फ ट्रिगर प्राइस ही आ रहा है, इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैंने 150 का ट्रिगर प्राइस हो गया तब मार्केट में उस टाइम पे कोई भी प्राइस होगा वो प्राइस को ले लेगा, इमीडिएटली हमारा शेयर्स खरीद लेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ट्रिगर प्राइस सिर्फ मैंने 12 रुपीज डाला, उस टाइम पे अगर 12 रुपीज में मार्केट प्राइस 13 रुपीज हो सकता है, वो फटाक से 13 रुपीज में ले लेगा, नहीं तो 14 होता है, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे 10 रुपए है, हम क्या करेंगे, कभी कभी यहाँ पे 12 रुपीस होता है, स्प्रेड नहीं मिलता है, स्प्रेड का मतलब है कोई बायर सेलर नहीं है 11 रुपीस पे, कोई नहीं है, बायर भी नहीं है सेलर भी नहीं है, तो हम क्या किया, अगर ट्रिगर प्राइस 11 डाल दिया, मतलब मार्केट प्राइस
₹12 पे है अभी, मतलब क्या है ये ट्रिगर प्राइस को हिट करके ऊपर चला गया, तो तब जो मार्केट प्राइस ₹12 था उसी को ले लेगा। मतलब क्या है, हमेशा आपको SLM ऑर्डर सेफ रहेगा, क्योंकि कभी कभी जंप होता है हमारा ऑर्डर, राइट, यहाँ पे जंप होके ऊपर चला जाएगा, वो 11 प्राइस होगा ही नहीं, हमारा ऑर्डर तो ओपन पे ही रहेगा लेकिन प्राइस ऊपर जाता रहेगा, हमारा लॉस दिखेगा, राइट। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमेशा SLM डालना पड़ेगा, मतलब जब भी ये प्राइस ट्रिगर हो गया उस टाइम पे कोई भी मार्केट प्राइस हो ले लीजिए, वही इसका मतलब। अगर नए SL डाल दिया, ये डाल दिया लेकिन ये प्राइस फटाक से 160 को चला गया, हमारा ऑर्डर 160 नहीं, यहाँ पे 152 डाल दिया, लेकिन ये जंप होके फॉर एग्जांपल मार्केट प्राइस कोई ने 150 को खरीद लिया, उसके बाद इमीडिएटली 160 को कोई ने ऑर्डर एग्जिट हो गया, तो क्या होगा, वो 160 को मार्केट प्राइस बन जाएगा, तब हमारा ऑर्डर में ओपन में रहेगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। देखो आज का भी हुआ है, मेरा ट्रेड मिस हुआ, लेकिन अगर होता तो मुझे मेरिको में बहुत प्रॉफिट होता था, स्कैल्पिंग का ये, ठीक है, मिस हो गया, क्या करूँ, कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो लाइक दैट क्या है कि SLM ऑर्डर हमेशा सेफ रहेगा, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होना ही पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो ले लेगा, ठीक है, समझ में आया ना। मार्केट जो भी मार्केट चल रहा है वो ले लेगा इमीडिएटली, अगर लिमिट प्राइस हो तो जो आपका डिजायरेबल प्राइस है वो ऊपर हो कुछ भी डाल सकता है मार्केट प्राइस से, मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट प्राइस आप ये ले सकता है, आप कोई भी मर्जी कोई भी प्राइस वहां पे डाल सकता है, जब वो प्राइस वहां पे आएगा वो ले लेगा, कोई भी बिड कर रहा है या कोई भी यहाँ पे दे रहा है वो वहां पे मार्केट प्राइस आने के बाद वो ले लेगा, ठीक है। कभी कभी SL का मतलब क्या है, जब भी मार्केट प्राइस जिसको हिट किया इस पर्टिकुलर प्राइस को 150 हो या कुछ भी हो, तभी ये वाला एक्टिवेट होके एग्जिट हो जाएगा, ठीक है, एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद अगर SLM डाल दिया तो सिर्फ ट्रिगर प्राइस चाहिए, उसके बाद जो भी मार्केट प्राइस था वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है, लाइक दैट। सो अगर नहीं, अगर आपको ऑलरेडी ले लिया, मतलब ये पोजिशन में ऐसा आएगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये पोजिशन में ऐसा आएगा, अब उस टाइम पे क्या करना है आपको, ये देखिए यहाँ पे थ्री डॉट्स दिख रहा है ना, इसको क्लिक करना है, एग्जिट करना है, तो ऐसे एग्जिट कर सकते हैं, कौन सा वाला प्राइस पे एग्जिट करना है यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी पोजिशन में आएगा वो, नहीं तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल ऑर्डर दूसरा वाला लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा ये बेस्ट प्रैक्टिस रहेगा, इसको ही ऐसा एग्जिट करते जाइए, जो सेल होता तो बाय हो जाएगा, बाय होता तो सेल हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अगर ये भी देखिए यहाँ पे अभी ये क्रूड ऑयल का चल रहा है, YouTube में जाइए, देखिए प्लेलिस्ट में सब कुछ, आज का भी मैंने ट्रेड दिखाया, ये रिपोर्ट्स एंड रिजल्ट्स में जाइए और डेली लाइव ट्रेड्स में जाइए, और कुछ एजुकेशन के लिए ये सब हर्षा ट्रेड यूनिवर्सिटीज में जाइए, चेक करिए पूरा चैनल में ये सब वीडियोस, तभी आपको समझ में आएगा हम ट्रेड कैसे करते हैं, प्रॉफिट्स कैसे कमाएंगे, ठीक है, ठीक है। अगर ये देखिए इसमें ये जीरोधा का मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर सिंपल अगर LS Blue में आपको ट्रेड करना है वो भी सेम है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर जो है ना, ये सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग लैब करके कुछ एक ट्रेड लैब या ट्रेडिंग लैब याद नहीं मुझे, एक कंपनी ने बनाया, दोनों का सेम रहेगा, ऑलमोस्ट दोनों का सेम रहेगा, देखो बाय सेल वगैरह सब कुछ देखे सेम, वही नॉर्मल MIS अगर ब्रैकेट ऑर्डर डाल दिया, ठीक है, अगर सेम देखो, अगर यहाँ पे भी जाओ ये देखिए सेम वही होगा, मोर ऑप्शन ब्रैकेट ऑर्डर का और ऑर्डर ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर इमीडिएट एंड कैसे ये छोड़ दीजिए डे वाला, ठीक है, रेगुलर ऑर्डर सेम वही देखिए, उसका UI भी सेम वैसे ही रहा, ठीक है। तो अभी आएंगे हम इसके भी बात करेंगे ब्रैकेट ऑर्डर, जब भी ब्रैकेट ऑर्डर होता तो हमेशा देखिए यह है MIS, मतलब सिर्फ हम इंट्राडे में ही यूज कर सकते हैं इसको, ऑटोमेटिकली वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब है सेम लिमिट प्राइस में खरीदना चाहता है खरीदे, लेकिन टारगेट भी दे सकता है, देखो यहाँ पे देखिए कितना पॉइंट्स टारगेट देना है, फॉर एग्जांपल ये देखिए 927 है, 937 मुझे सिर्फ 10 पॉइंट्स चाहिए, मतलब जब भी मार्केट 937 को, मतलब 37 को आएगा आपका ऑर्डर एग्जिट होके ये 10 पॉइंट्स का जो प्रॉफिट मिलेगा, अगर इसका स्टॉप लॉस लगाना है 10 पॉइंट्स या 5 पॉइंट लगाओ 7 पॉइंट लगाओ, मतलब 27 से लेके 920 को आ गया वो स्क्वायर ऑफ करेगा, आपका लॉस जो कुछ भी है 7 पॉइंट्स का लॉस हो गया। यहाँ पे बहुत ईजी है कि पॉइंट्स लगा सकता है, कितना पॉइंट्स आपको लेना चाहता है, ठीक है, स्टॉप लॉस 7 पॉइंट्स इस प्राइस से -7 रुपीज स्टॉप लॉस है, +10 रुपीज टारगेट है, सिंपल। कवर ऑर्डर में क्या हुआ है, देखो ये वाला कॉमन है, लिमिट ऑर्डर है, ठीक है,
एसएल ऑर्डर देखो जब ट्रिगर प्राइस हो गया वो है, सिर्फ एक कवर और ब्रैकेट ऑर्डर क्या है, टारगेट और इसको स्टॉप लॉस को एक्सटेंड किया बस, ठीक है, और एसएलएम ऑर्डर ये सब होता है, ठीक है। फिर कवर ऑर्डर का मतलब क्या है, इसमें सिर्फ ट्रिगर प्राइस होगा, इसमें स्टॉप लॉस कुछ लगाना है, मतलब इसमें चेंजेस है शायद, इसको अभी बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है। ब्रैकेट ऑर्डर का वेरी सिंपल है, ब्रैकेट ऑर्डर आपको हमेशा यूज करना अच्छा लगेगा, जब भी इंट्राडे में स्कैल्पिंग कर रहा है जो कुछ भी ऐसा, ठीक है, इमीडिएटली हो जाएगा प्रॉफिट आएगा, नहीं तो स्टॉप लॉस हो जाएगा, बाहर आ जाएंगे, ठीक है। वही है, ये टाइप्स ऑफ ट्रेड्स है। अगर कुछ क्वेश्चन है तो इसके बारे में भी मुझे पिंग कर सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, और दूसरा वीडियो में फ्यूचर्स के बारे में मैं बताऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच।